13/7/1993 का वाकया है, जब मैं 7 साल की उम्र का छोटा बच्चा हूँ। मैं अपने ही घर गाँव दरा दुलिया में जो कि है वहाँ पे था। जलास में BSF के जवान जो कि 90 बटालियन से अलग रखते थे वो वहाँ पे प्रैक्टिस ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वहाँ से एक बुलेट जो कि अचानक निकला जाकर निशाने से चूक कर जाके मेरे यहाँ दाएं तरफ गर्दन में लगा। तो गर्दन में लगने के बाद वो मेरे जिस्म में पियूस्त हो गया अंदर, तो धीरे धीरे वो आगे चला गया। अब जो कि बहुत ही मुश्किल जगह पे जा पहुँचा है, लंग्स की हड्डी में यहाँ बाएं तरफ चला गया। तो AIIMS कीजिए, चंडीगढ़, जम्मू, इन सब हॉस्पिटलों में मैंने 20 साल हो गए चक्कर लगाते हुए। तो शुरू में डॉक्टरों ने कहा था आसानी से निकल जाएगा, लेकिन अब हालात बहुत नाजुक हो गए, AIIMS से भी मुझे ना इलाज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा ही रिक्स है, ये यहाँ पे जान भी जा सकती है आपकी, ऐसे भी जा सकती है और ऑपरेशन करने से भी जा सकती है। मैं तो कहता हूँ बड़ी निकम्मी गवर्नमेंट है, ये मेरे जैसे इंसान को इंसाफ ही नहीं दे सकी, तो किसको इंसाफ देगी? उन लोगों को इंसाफ देगी जिनके पास सब कुछ है, जो अपने घर से खाते पीते हैं। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने फिर कोई आमदनी नहीं थी, कुछ नहीं थी, घर वालों ने जो कमाया लगाया वो मेरी दवाइयों में लगाया। यहाँ पे मैंने एक बैंक से लोन लिया छोटा सा, 1-2 लाख रुपए का, कोई काम करूँ मैं। काम हो ही नहीं सकता जनाब, यहाँ काम के लिए बैठा हूँ या फिर दफ्तरों के चक्कर गाऊँ, कभी होमसाइड तो कभी हाई कोर्ट, कभी सेशन कोर्ट, तो बस दफ्तरों के चक्कर लगाते, जो पैसे कमाए आज तक मैंने वहाँ लगा दिए। तो यहाँ मानो कि वो जो बैंक की किस्तें देनी थी वो भी भूल गया, और मैं कैसे दूँ, मैं जो पैसे मिलते हैं वो मैं दवाइयों में लगाऊँ, जब पहले तो जान है ना, जान बचेगी तो मुझे आगे सब कुछ याद आएगा। तो आज वो बैंक वाले भी पता नहीं कब इस दुकान को बंद कर देंगे। तो आज तक आपको कोई कंपनसेशन सवाल ही नहीं पैदा हो सकता जनाब, मैं 1 रुपया किसी ने दिया हो, मैंने पहले भी कहा था, एक पैसा नहीं किसी गवर्नमेंट ने दिया, ना ही यहाँ पे है ही नहीं है, आँखों में पट्टी बांध के घूम रही, ये कुछ भी नहीं। मैं तो कहता हूँ किस जनाब की सरकार है जनाब, है ही नहीं, कुछ नहीं। मैंने तो नोटे का इस्तेमाल किया था जब यहाँ इलेक्शन हुआ था, मैंने तो वोट भी नहीं डाला, किसको वोट दूँ, क्यों दूँ वोट, हमारा हक नहीं तो हम किसी को क्यों वोट दें। तो आपके बच्चे के बारे में आपने जिक्र किया, कितने साल की बच्ची है आपकी? बच्ची छोटी सी है, 2-2.5 साल की, 5 साल का बच्चा है मेरा। तो उनके ज़िंदगी के बारे में बड़े सोचना पड़ता है, अपने पास मकान वगैरह कुछ नहीं है, एक दुकान सी छोटी सी थी, इसके लिए भी मैं सोचा था चलो एक रोज़ी रोटी चलेगी, चलो वो अच्छा था, चल रहा था, लेकिन उसके साथ मैं ये भूल गया था कि मेरे अंदर एक LMG का इतना पूरा एक रौंद है जो कि किसी भी टाइम मुझे ख़त्म कर सकता है। तो उस बुलेट के बारे में मैं जब सोचता हूँ तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ। तो दवाइयाँ लेके चलूँ या फिर घर का खर्चा या उन बच्चों को आगे लेके चलूँ, ये एक बड़ा सवाल है मेरे लिए। मैं मन ही मन में इसको लेके चलता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई मेरा साथ दे, ये मेरा सवाल किसी और के कानों में पहुँचे, वो मेरे शाना बशाना होंगे, तभी मेरी ज़िंदगी जो वो सक्सेसफुल कामयाब में हो सकता हूँ, वरना मुझे तो लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। मैं रियासती और मरकज़ी सरकार से ये अपील करता हूँ कि मारूफ हुसैन और उन जैसे कई और नौजवान जो सरहद पर गोलाबारी या लैंड माइन की वजह से डिसेबिलिटी का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए आला सतह से कोई ऐसे लाए अमल तैयार किए जाएं ताकि ये लोग भी सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें। मैं हूँ शराज सिकंदर, पूंछ, जम्मू व कश्मीर से, कश्मीर अनहर्ड के लिए।